अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो काफ़ी अरसे बाद अब वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे हमारे दोस्तों के और हम सब के। तो रहन अब्दुल्ला तो मेरे साथ नहीं होंगे इस वीडियो में, तो क्योंकि उनकी तो जॉब हो गई है, तो वो चले गए हैं इस्लामाबाद, लाहौर। और इस वजह से मैंने कहा चलो मैं खुद ही कंटिन्यू करता हूँ अपने चैनल को। तो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज व्लॉग। तो आज के दिन मैंने सोचा मिनी व्लॉग नहीं बनाते, तो क्योंकि जो वीडियो बनानी थी मैंने वो भी मिनी व्लॉग में कवर नहीं होनी थी, तो थोड़ी सी वो स्पेशल भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन मिनी व्लॉग नहीं करते तो एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो में थोड़ा सा एक छोटा सा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, तो आपको भी बताते हैं कि सरप्राइज क्या है। तो उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो सरप्राइज कुछ ये है कि मैंने बनाया है अपना न्यू हाउस, तो अभी आपको टूर करवाते हैं उसका। और अभी लास्ट वीडियो में जो बनाई थी उस घर का तो टूर मैंने आपको करवाया था, तो उसमें हुरैर अब्दुल्ला साथ थे, बट इस दफ़ा वो अनफॉर्चुनेटली जॉब की वजह से मेरे साथ नहीं आ सकते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही जो है ना इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, आपको टूर देते हैं अपने न्यू हाउस का, मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हाउस की जानिब। मैं निकल पड़ा जल्दी से अपने हाउस की जाने, जल्दी से तो घर की बाइक खड़ी हुई है, तो बाइक निकालते हैं जल्दी जल्दी, बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक को स्टार्ट किया मैंने, सबसे पहले तो अपना हम गेट खोलेंगे, गेट खोलते हैं के बाद अभी हम चलते हैं सीधा अपने घर की जाने। देखते हैं गली में कोई, अभी तक गली में कोई बंदा कोई ऐसा बना नहीं है, तो इंशाल्लाह चलते हैं हाउस की तरफ, तो मिलते हैं वहीं आपको। तो फाइनली मैं पहुंच आया हूं अपने नए घर की तरफ, तो अभी आपको दिखाते हैं कि असल में ये कहाँ पे है और किस जगह पे है। तो ये रहा इसका आउटर लुक थोड़ा सा, तो ये है इसका मेन गेट। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के, इसमें क्या क्या है और इसके बारे में डिटेल्स आपको सारी मैं बारी बारी बताता हूँ। तो अंदर चलते हैं। तो ये जैसे हमारे मेन गेट की एंट्रेंस, तो एंट्रेंस स्टार्ट होते ही हमारे पास आ जाता है घर का गैरेज। तो अच्छी खासी वाइड जगह है गैरेज के लिए, तो गैरेज के साथ ही हमारे पास है एक अटैच रूम। तो अटैच रूम में हमारे पास मसल में गेस्ट आए रहते हैं, तो गेस्ट के बाद हम तो सीधा हाथ जा सकते हैं। तो अंदर आके दिखाते हैं आप ये बैथरूम। तो पहला बैथरूम हमारे पास आ गया, बैथरूम में हमारे साथ टैंक बाथ भी है, टैंक बाथ पे शीशा भी है, तो काफी अच्छा ये रोजे लगाने सीसी वगैरह और बाकी सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और गैरेज के बाद हमारा मेन हॉल आ जाता है। हमारे पास है घर की एंट्रेंस, घर की एंट्रेंस में हमारे पास अच्छा खासा डेकोर हुआ मेन डोर है इसका। तो मेन डोर के साथ एंट्रेंस होते ही हमारे पास है एक पहला कमरा, मतलब इसको आप पहले रूम में कह सकते हैं। और दूसरे ये इसका जो है अच्छी सीलिंग वगैरह और ये दीवार काफी सारी मजे की बनाई है। इसमें हमारे पास ये बहुत अच्छी बैरियर दिखाई है इसमें। तो इसमें हमारे पास एलईडी अलमारी भी है, इसमें आप
अपने सोफे वगैरह लगाने तो वो भी लगा सकते हैं, तो उसके साथ ही आगे किसी बुक के साथ अटैच है हमारे किचन, तो किचन में मैंने मार्शल आर्ट का फिगर है वो अच्छी और ग्रोन करके बनाई है। तो वो ये है कि काफी वाइट भी है लोगों के घरों में, मतलब काफी जगहों में हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी और बहुत ऐसे बंद सी किचन होती हैं, बट ये काफी ज्यादा उन्होंने वाइट और काफी अच्छे ग्रूम करके उन्होंने बनाई है। तो उसके साथ ही भाई ये हमारे पास थोड़ी सी खुली जगह बनाई है, आप इधर बैठ के मतलब कपड़े वगैरह धो सकते हैं और कपड़ों के अलावा बाकी को बर्तन वगैरह धोना तो वो भी धो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें किचन ज्यादा पसंद आई है, किचन में काफी चीजें जो है वो अच्छी खासी अट्रैक्टिव बनाई है, सारा कुछ किचन में काफी चीजें यूज किए हैं इधर। बाकी आप इसके बाद हमारे पास है ये रूम था, उसके बाद हमारा ये दूसरा रूम आ गया, दूसरे रूम में सीलिंग बहुत अच्छी बनाई है, सीलिंग हमारे पास ये है कि काफी रूम सीलिंग बनाएगा, काफी कमरा वाइड खुला बनाया जाएगा, इसमें हमारे पास सारा जो है बहुत बड़ा एक रूम है, और उसमें हमारे पास एक ये उसमें हमारे पास एक अलमारी आ रही है, और मतलब इसमें आप अपने कपड़े वगैरह अपना मतलब सामान वगैरह रख सकते हैं। और दीवार तीन किताब हमारा टाइम पास भी आ रहा है, टाइम पास में कई ये बेनिफिट होता है कि आपको अगर वॉशरूम जाना होता है तो जल्दी से बाहर नहीं जाना पड़ता, तो रूम के साथ भी है तो ये रूम हो गया हमारे पास। और उसके अलावा एक रूम में हमारा दूसरी तरफ है, तो ये है कि काफी खुले खुले वाइट बनाए जाए, ये रूम जो है आप अपना पर्सनल रूम भी रख सकते हैं, आप टेम्पर रूम बना सकते हैं और व्हाट्सएप जो भी आप करना हो। तो उसके साथ ही हमारे पास रिटायर बाथ है, आपके हर रूम के साथ तो तकरीबन ये है कि हर रूम के साथ अटैच बाथ है, गिलास के अटैच है, तो ये है कि मतलब सारे रूम्स के साथ बाथ्स वगैरह भी हो जाएंगे। और बाकी जो मुझे ज्यादा सबसे पसंद आया वो ये है कि इसकी सीलिंग जो है ना वो बहुत पसंद आई, पहले भी आपको बताया था कि हमारा शहर को कितना बड़ा है, इतना वाइड, इतना रूम नहीं, हम एक छोटे से शहर जोराबाद से जोराबाद में रहने वाले, तो यहाँ से जी हमारे लिए बहुत ही मतलब ऐसा समझ लें कि हमारे लिए बहुत अच्छी आई, मतलब एज अ लग्जरी। तो ये है कि हमारे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा अलहमदुल्ला बहुत मेहनत और बहुत लग्जरी स्टाइल मिलने का बिल्कुल न्यू स्टाइल के करवाई है। तो ये है कि बाकी आपको सारा टूर मैंने दे दिया सामने, तो ये बाकी इंशाल्लाह जैसे काम करता रहेगा, गहरी में भी एक फिल्म लगवाई थी मैंने और बाकी लाइट्स वगैरह, बाकी ऊपर छत पे भी है, छत पे भी आपको देख सकते हैं, चलते हैं अब छत ही जाने, तो छत पे जाके भी दिखाते हैं आपको छत का जाकर बता रहे। जैसे हम अपनी जबान में मम्मी भी कहते हैं ना, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपकी जबान में आप मोमेंट्स को यूज हमारे इलाके में या हमारी जगह में ऐसा मम्मी कहते हैं उसी जो हिसाब से बनाते हैं कि बात एक्टर में हमारा कैसा है। तो ये आ गया हमारे पास, ये आगे घर की छत हमारे पास, तो बस छत पे तो इतना खास है कोई नहीं, मतलब वही है कि सारा एरिया कवर ही है साइड से, बाहर दीवार वगैरह है और बस इसमें इतना खास वही है। बाकी जब आप देख सकते हैं काफी इलाका जो है वो ग्रीन है, ये मतलब हमारे हिसाब से काफी ग्रो एरिया है, ये हमारा गुरुबाद का मशहूर एरिया है, काफी ग्रो है, काफी लोग रहते हैं यहाँ पे, और काफी जो है वो अच्छे एरिया ये वाला। छत कितना खास है कोई नहीं, मतलब यही है कि इधर साइड पे ये दीवारें वगैरह हैं और ऊपर ऊपर ऐसा कोई हमारा कमरा वगैरह या कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, इधर पास सिर्फ फिजा में बैठने के लिए, सर्दियों में बेनिफिट है सर्दियों में आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, बट गर्मियों में ये है कि धूप इतनी शदीद होती है तो इधर तो आप आगे नहीं बैठ सकते, तो यही है कि गर्मियों में सर्दियों में ये है छत पे आके आप सुकून से लोग वगैरह आप सुकून से बैठ सकते हैं। ये अगर जल्दी नीचे चलते हैं और
तो ये था एक छोटा सा होम टूर जो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। तो मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को भी ये सरप्राइज दे दूंगा और आपको आप लोगों को भी बता दूंगा कि चलो ब्लॉग भी बन जाएगा और इसमें हमारा होम टूर भी कवर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और उम्मीद है कि जो अगली वीडियो है उसमें मेरे साथ गैर अब्दुल्ला भी जरूर शामिल होंगे, क्योंकि उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीक छुट्टी आएंगे। तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा सा व्लॉग, एक अच्छी सी मेमोरी हम जरूर बनाएंगे और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को होम टूर कैसा लगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।